नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के फिर अगले सप्ताह वोट डाले जाएंगे और सभी राजनीतिक दल वोटर्स को अपनी तरफ आकर्षित करने में जुटे हुए हैं, लेकिन इस बार के चुनाव में अलग ट्रेंड देखने को मिल रहा है। जी हां, जहां एक ओर बीजेपी ने मुस्लिमों को टिकट नहीं दिया तो वहीं अब कांग्रेस भी बीजेपी की राह पर चल पड़ी है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, कांग्रेस ने भी इस बार मुस्लिमों को टिकट देने में दूरी बना ली है और 50% से ज्यादा सीटों पर एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है। ऐसा क्यों, आइए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 288 में से 150 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है। वहीं करीब 50 सीटों पर सिर्फ एक एक मुस्लिम कैंडिडेट है। राज्य में कुल 4,136 उम्मीदवार विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में हैं, जिनमें सिर्फ 420 मुस्लिम प्रत्याशी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मुस्लिम उम्मीदवारों की संख्या काफी कम नजर आ रही है। आंकड़े बता रहे हैं कि राज्य की 288 में से आधी से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जहां एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं है। आंकड़ों को देखकर ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस ने भी मुसलमानों से दूरी बना ली है। भाजपा ने इस बार चुनाव में एक भी मुस्लिम समुदाय का उम्मीदवार नहीं उतारा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी सिर्फ 9 मुसलमान उम्मीदवारों को टिकट दिया है। वहीं मुस्लिम उम्मीदवारों का आंकड़ा सामने आने के बाद ये सवाल उठने लगा है कि क्या सिर्फ जीत के आधार पर टिकट दिया जाता है। शिवसेना शिंदे गुट ने कहा, जीत के आधार पर टिकट दिया जाता है, हिंदू मुस्लिम के आधार पर नहीं। कई जगहों पर अच्छे हिंदू कैंडिडेट को भी टिकट नहीं मिला है, हमारी पार्टी ने मुस्लिम कैंडिडेट को उम्मीदवार बनाया है। अजीत पवार ने भी मुस्लिम कैंडिडेट को उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सभी 288 सीटों पर एक ही चरण में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इसके बाद 23 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। इस बार चुनाव में महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच टक्कर है। महायुति में भारतीय जनता पार्टी के अलावा एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी शामिल है, जबकि महाविकास अघाड़ी में उद्धव ठाकरे की शिवसेना के अलावा शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस शामिल है। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।